अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम मार्केट लिंकेजेस मॉडल के बारे में बात करेंगे और यूजुअल आपको एक फिगर के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें वही तीन एलिमेंट्स हैं टारगेट पॉपुलेशन सोशल एंटरप्राइज और मार्केट सोशल एंटरप्राइज जो है वो दरमियान में है और उसके लिंकेजेस हैं दोनों साइड्स पर मार्केट से भी और टारगेट पॉपुलेशन से भी और ये एक्सप्लेन करता है एक्चुअली और नाम में जो लफ लिंकेजेस आ रहा है उससे बेसिकली मार्केट लिंकेजेस मॉडल जो है वो ट्रेड रिलेशनशिप्स इस्टेबलिश करता है टारगेट पॉपुलेशन के दरमियान में जो कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स फार्मर्स लोकल जो ट्रेडर्स uh, हो सकते हैं और बिटवीन मार्केट ख़ास तौर पर इंटरनेशनल एक्सटर्नल मार्केट जिस तक इन छोटे प्रोड्यूसर्स या फार्मर्स वग़ैरह की एक्सेस नहीं होती सोशल एंटरप्राइज ट्रेड रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करता है लोकल प्रोड्यूसर्स फार्मर्स स्मॉल कोऑपरेटिव और एक एक्सटर्नल मार्केट के दरमियान में जो ख़ास तौर पर इंटरनेशनल मार्केट जो आम कारोबारी हालात में इन लोकल प्रोड्यूसर्स या फार्मर्स या छोटे जो कारोबारी हैं उनको एक्सेस नहीं होती सोशल एंटरप्राइज एक ब्रोकर का काम करता है जिसमें वो लोकल प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स को इंटरनेशनल मार्केट से लिंक करता है बाय और सेलर्स को एक जगह पर लाता है और उनसे अपने सर्विस चार्जेस या कमीशन लेता है यह कमीशन जो है वो उसको अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट और अपने जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करने के लिए वो यूज़ करता है दूसरी तरफ इंटरनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो अमूमन छोटे लोकल जो नेटिव पोपोलेशन उनकी जो प्रोड्यूस है उससे वाकफ नहीं होती वो लोकल कल्चर और कारोबार करने के तरीके से वाकफ़ नहीं होती उन्हें यह नहीं पता होता कि इतने छोटे लेवल पर जाकर वो कैसे एक्सेस कर सकती हैं और इतनी बड़ी कंपनी और एक छोटे से प्रोड्यूसर के दरमियान जो है वो अमूमन कोई बातचीत या रिलेशनशिप जो है ट्रेड का वो अमूमन समझ नहीं आता या मुमकिन नहीं होता क्योंकि कैपेसिटीज़ बहुत फ़र्क होती हैं काम करने का स्कोप और तरीक़ा स्किल्स जो इस्तेमाल होती हैं जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं बिजनेस की वो बहुत फ़र्क होती हैं जो सोशल एंटरप्राइज है जो लिंकेजेस का काम कर रहा है वो इस गैप को एक्चुअली कवर करने की कोशिश करता है वो जो स्किल्स का डिफरेंस है जो कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो दोनों के दरमियान में लेवल और स्कोप का डिफरेंस है उसको आपस में ब्रिज किया जा सके एक इंटरमीडियरी या लिंकेज के कॉन्सेप्ट के ज़रिए से लोकल प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो कि फार प्रॉफिट अमुमन होते हैं वो दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ कि किस तरह वो बाहर खासतौर पर एक्सपोर्ट का काम कर सकें उसमें लोकल रेगुलेशंस जो हैं वो भी हर्डल बनती हैं उसमें इंफॉर्मेशन के इश्यूज भी आते हैं उसमें स्केल uh, के इश्यूज भी आते हैं और दूसरी तरफ जो कंपनीज़ हैं इंटरनेशनल ख़ासतौर पर वेस्टर्न यूरोपियन कंपनीज़ जो हैं uh, जिनको नेचुरल प्रोडक्ट्स की तलाश होती है हैंडी uh, या लोकली प्रोड्यूस्ड जो uh, ख़ासतौर पर सस्टेनेबल स्पीशीज़ uh, जो हैं उन से जो प्रोड्यूस हासिल होती है वो उनकी तलाश में होते हैं तो दोनों को आपस में इकट्ठा करना बेसिकली ये एक इंटेग्रेटेड मॉडल है जहाँ ट्रेड एसोसिएशनस बायर्स सेलर्स मुख्तलिफ एसोसिएशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ये सारे जो हैं उनको एक सोशल एंटरप्राइज़ जो है वो आपस में इंटीग्रेट करता है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करता है सोशल एंटरप्राइजेस जो हैं वो अपनी सर्विसेज में सिर्फ कनेक्शन जो है वो या लिंकेज पैदा करने तक महदूद नहीं है क्योंकि एक दफ़ा जब लिंकेज हो गया एक लोकल प्राइवेट बिजनेस का और एक इंटरनेशनल कंपनी का तो फिर सोशल एंटरप्राइज के लिए तो मज़ीद कोई रोल शायद नहीं बचता लेकिन उन्होंने अपने आप को सस्टेन करने के लिए और बिजनेस में रहने के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको चलाने के लिए सर्विसेज ऐड की हैं वो आपको आ, इन लोगों को जिनके पार्टनर्स को जिनको आपस में लिंकेज कराते हैं उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज फ्राहम करते हैं आ, उसमें जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोकल स्पीशीज़ के ऊपर लोकल प्रोड्यूस के ऊपर रिसर्च करती हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस कराती हैं सोशल एंटरप्राइजेस दूसरी तरफ इंटरनेशनल कंपनीज़ उनके लिए इंफॉर्मेशन के लोकली क्या कुछ अवेलेबल है और उसके बारे में उसके यूटिलिटी और यूज़ के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो बाकायदा बाद सोशल इंटरप्राइजेस ने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या क्लियरिंग हाउसेज़ इस्टेब्लिश किए हुए हैं तो इस तरह से वो अपना जो मिशन है उनका सोशल एक के लोकल कारोबार जो हैं उनको बेहतर बनाया जाए इंटरनेशनल लिंकेज क्रिएट किया जाए और इंटरनेशनली या ग्लोबली लोकल प्रोड्यूस को इंट्रोड्यूस कराया जाए वो उसको अपने बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करके यूज़ करते हैं थैंक यू